जम्मू कश्मीर की सियासत में हाशिए की ओर जा रही नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के चीन मुंह पर जम्मू कश्मीर में अब आक्रोश फूटने लगा है। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर अलग अलग सियासी और सामाजिक संगठन आरोप लगा रहे हैं, क्या कारण है बताएंगे हम। नमस्कार, मैं रुचि पांडे आपका स्वागत करती हूँ राजनीति दरबार में, जहाँ आज हम बताएंगे कि फारूक अब्दुल्ला का राष्ट्र विरोधी चेहरा फिर से सबके सामने आ रहा है। दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर अनुच्छेद 370 के राग को उठाते हुए चीन की मदद से पुरानी व्यवस्था को बहाल करने का दावा किया है। जी हां, फारूक ने एक महीने में दूसरी बार चीन का सहारा लेकर विवादित बयान दिया है। अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उम्मीद है कि चीन के समर्थन से अनुच्छेद 370 को एक बार फिर बहाल किया जा सकता है। यहां तक कि उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा LOC पर तनाव का कारण भी अनुच्छेद 370 को हटाया जाना बता दिया है। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट शेख शकील ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला सियासी फायदे के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही सियासी दलों में कितने भी मतभेद हों, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हमें एक होना चाहिए। अब्दुल्ला कई महीनों से जेल में रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि गैर जिम्मेदाराना बयान दें। इसके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर हरिओम ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला सांसद होते हुए भी देश विरोधी बयान दे रहे हैं, उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में दोबारा लेना चाहिए। कश्मीर के हालात के लिए फारूक जैसे नेता ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने लोगों की भावनाओं से हमेशा खिलवाड़ किया है, केंद्र सरकार को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला के इन बयान से ये साफ दिखता है कि उनकी बौखलाहट सत्ता के लिए कितनी है। अब ये देखना अहम होगा कि फारूक अब्दुल्ला कौन कौन से नए बयान देकर अपनी देश विरोधी छवि को और उजागर करते हैं और सरकार उनके इस विरोधी बयान पर किस प्रकार से एक्शन लेती है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही, मैं फिर हाजिर होंगी राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।